हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल गुलदस्ता में आपका स्वागत है। आज हम हमारे मिथिला का पीली सरसों की ग्रेवी वाली मछली बनाएंगे। मछली हम यहाँ रेहू लिए हैं, आप अपने पसंद की कोई भी मछली ले सकते हैं। आइए इसे अब बनाना शुरू करें। ये हमारा 1 किलो मछली है, इसे धोकर अच्छे से साफ कर लेना है और पानी पूरी तरह से इसका निकाल देना है। इसे अब हमें कुछ देर के लिए मैरिनेट करके कुछ मसालों के साथ छोड़ देना है। इसके लिए चाहिए हमें लहसुन का पेस्ट। लहसुन हम 25 से 30 कली लिए हैं, इसे पीस करके पेस्ट बना लेना है। लहसुन को थोड़े से पानी के साथ पीस कर पेस्ट बना लेना है। पेस्ट हमारा तैयार है। अब हमें चाहिए हल्दी और नमक। अब इस धोकर साफ किए हुए मछली में लहसुन का जो पेस्ट हमने तैयार किया था, वो लहसुन का पेस्ट, हल्दी और नमक, ये तीनों चीज डाल करके हमें मछली को अच्छे से इसमें मिक्स कर लेना है। सभी पीस को लहसुन, हल्दी और नमक अच्छे से लगा देना है सभी पीस में। उसका एक कोट सा बना दें। हल्के हाथों से मल करके सभी में लहसुन, हल्दी और नमक का कोट लगा देना है और इसे 15 से 20 मिनट के लिए रख देना है ताकि इसमें लहसुन और नमक अच्छे से भींगे। एक एक कर सभी पीस को हम इन मसालों में लगा लेंगे। इसे हमें अब 15 से 20 मिनट के लिए रख देना है। जब तक ये मसालों में भींग रहा है तो आगे की तब तक हम इसके ग्रेवी के लिए हमें क्या मसाले चाहिए वो हम तैयार कर लेंगे। लहसुन 25 से 30 कली, सूखी लाल मिर्च जितना आप तीखा खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से, लहसुन और लाल मिर्च को थोड़े से पानी के साथ हमें मिक्स करके एक साथ पेस्ट तैयार कर लेना है। ये हमारा लहसुन और लाल मिर्च का पेस्ट तैयार है। हमारा मछली 1 किलो है तो 3 बड़े साइज की हमें प्याज चाहिए। इसे मोटा काट लेना है और इसे भी बारीक पीस लेना है। इसमें हम पानी नहीं डालेंगे, बगैर पानी डाले हुए ही ये बिल्कुल बारीक पीस जाता है। ये हमारा प्याज पीस चुका है। पीली सरसों 5 टेबल स्पून और इसे पानी डाल करके हमें 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। 20 मिनट करीब हमारा हो चुका है सरसों का पानी में भींगते हुए, तो अब ये पानी हम निकाल लेंगे पानी से सरसों को और इसे हम पीस लेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डालते हुए मैं बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लेना है। सरसों का पेस्ट हमारा तैयार है। और हमें मसाले चाहिए ग्रेवी के लिए, हल्दी, नमक,
और हमें चाहिए फोरन। फोरन के लिए हम लिए हैं तेज पत्ता, एक छोटा चम्मच हींग, एक छोटा चम्मच साबुत जीरा, आधा छोटा चम्मच साबुत मेथी के दाने, आधा छोटा चम्मच सौंफ और एक लाल मिर्च। हमारे मिथिला के खाने में मसालों का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है और स्वाद के साथ साथ सेहत का भी बहुत ध्यान रखा जाता है, जिसके कारण हमारे मिथिला के खाने की खुशबू और उसका स्वाद बहुत ही अलग होता है। तो आइए अब इसे बनाना शुरू करें। अब हम गैस ऑन कर लिए हैं और मछली को तलने के लिए हमें तेल गर्म कर लेना है। हमारे मिथिला में हम सरसों की तेल में ही सब्जी या मछली बनाते हैं। मछली आप सरसों के तेल में ही बनाएं, तभी इसका ऑथेंटिक टेस्ट आपको मिलेगा। तेल हमारा गर्म हो चुका है, तो सबसे पहले हम मछली के सर को तल लेंगे। इस तरह से पलटते हुए हमें तल लेना है चारों तरफ से अच्छी तरह, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन करके हमें इसे तल लेना है। चारों तरफ से पलटते रहें और आंच हमें तेज ही रखना है। लाल हो चुका है तो इसे अब हमें निकाल लेना है। अब हम बारी बारी से सारे मछली के पीस को तल लेंगे। जैसे ही लगे कि तेल हल्का ठंडा होने लगा है तो आंच को तेज कर लें। अगर लगे कि बहुत ज्यादा तेल हमारा जलने लगा है तो आंच को आप मीडियम कर लें, और एक साइड से जब अच्छी तरह से मछली का पीस बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो जाए उसके बाद ही उसे पलटें, बीच में नहीं पलटें। एक साइड से लाल होने लगा है तो अब हम इसे पलट लेंगे, और एक साइड अच्छी तरह से पक जाएगा तो पलटते समय बिल्कुल भी पीस नहीं टूटता है, अगर थोड़ा सा भी कच्चा रहेगा तो बीच से वो टूटने लगेगा। अब दूसरी तरफ भी इसी तरह से हमें लाल होने तक तल लेना है, इसे बीच बीच में पलट दें। ये तल के तैयार है तो अब हमें इसे निकाल लेना है। सभी मछली को तेल से निकाल लें। और इसी तरह से तलते हुए हमें बाकी के सभी मछलियों को तल लेना है। मछली हमारा सारा तला चुका है तो अब हमें इसी बचे हुए तेल में फोरन डाल लेना है। अगर मछली तलते समय तेल कम हो तो थोड़ा और तेल आप मिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च, तेज पत्ता, साबुत जीरा, साबुत मेथी और सौंफ।
इसे हल्का सा पका लेना है। और अब हम डालेंगे यहाँ हींग। हींग को अच्छे से पकाना है, नहीं तो उसकी एक स्मेल सी आने लगेगी ग्रेवी में। तो हींग को लाल करना है पका करके। और अब हमारा हींग पक चुका है, तो यहाँ पे हमें आंच को कम कर लेना है। उसके बाद हम यहाँ इसमें पिसी हुई प्याज मिक्स करेंगे। चूंकि तेल हमारा बहुत गर्म है और एकदम से हम पिसा हुआ प्याज डालेंगे तो तेल उसमें बहुत ज़्यादा स्प्रेड होने लगेगा, तो आंच हम कम कर लेंगे और प्याज के पेस्ट को हम अभी भूनेंगे। आंच अब तेज कर लें और तेज आंच पे ही चलाते हुए प्याज के पेस्ट को यहाँ भूनना है। प्याज का पेस्ट भून चुका है, करीब 7 मिनट करीब हम भुने हैं। तो अब हम यहाँ इसमें पिसी हुई सरसों की पेस्ट मिक्स करेंगे। और अब तेज आंच पर इसे चलाते हुए भुनेंगे। 5 मिनट करीब हम भुने हैं। अब हमें यहाँ नमक और हल्दी ऐड कर लेना है। नमक यहाँ हम मिक्स कर लेंगे जिससे कि हमारा मसाला भी नहीं जलेगा और भुनने में भी आसानी होगा। और हल्दी, ये दोनों यहाँ हम मिक्स करके अब इसे भुनेंगे। तेज आंच पर ही चलाते हुए करीब करीब इसे हम अभी 5 मिनट भुनेंगे। सरसों हमारा भून चुका है और तेल चारों तरफ से छोड़ने लगा है मसाला। तो अब यहाँ हम ऐड करेंगे इसमें लहसुन और मिर्च का, जो हम पेस्ट पीसे हुए हैं, तो वो लहसुन और मिर्च, लाल मिर्च का पेस्ट हमें यहाँ इसमें मिक्स कर लेना है। और इसे और हमें कम से कम 5 से 7 मिनट तेज आंच पर ही भूनना है। हमारे मिथिला में इस पीली सरसों की ग्रेवी में हम बहुत तरह की सब्जियां भी बनाते हैं। हमारे चैनल पर भी उनका उसका वीडियो है। ग्रेवी हम यहाँ अब इसमें डालेंगे। मसाला हमारा भुन चुका है तो हम ग्रेवी अब यहाँ मिक्स कर लेंगे। और ग्रेवी इसका बहुत ही थिक रखना है, तो इस हिसाब से ही हमें पानी डालना है। मछली में जो हमारी तली हुई मछली है वो अच्छे से इसमें खोल करके और जितना भी वो पानी सक करना चाहे वो कर ले, और उसके बाद भी हमारे पास ग्रेवी भी बचे, लेकिन ग्रेवी पूरा थिक होना चाहिए। और मछली हमारे यहाँ हम सरसों की ग्रेवी में ही बनाते हैं। यहाँ हमारा ग्रेवी खोलने लगा है तो अब हम यहाँ इसमें तली हुई मछली डाल देंगे। बस एक बार तेज आंच पर जैसे
पानी पूरा खौलने लगे अच्छे तरह से, तो वहीं पे हमें इसमें तली हुई मछली ऐड कर लेना है। मछली हमारा खोल चुका है, करीब करीब हमने 20 मिनट इसे पकाया। तो अब हम यहाँ गैस बंद कर लेंगे। इसे अब हम ढक करके रख लेंगे आधे घंटे के लिए, उसके बाद इसे परोसना। मछली हमारा बनकर तैयार है। ये जितना खूबसूरत देखने में है उतना ही ये स्वादिष्ट होता है। इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। इसे आप जरूर बनाएं और हमारे मिथिला का टेस्ट जानें। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टेस्ट के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू।